रही है कि इमरान खान जमान पाक से लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और पहले 4 बजे का उनको पहुंचने की ताकीद की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड करते हुए 5:30 बजे तक का हुक्म है कि 5:30 बजे इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट में कोर्ट के रूबरू पेश हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान इंतजामिया को इस बात की हिदायत की गई है कि वो इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें और सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है, जो खदशात है, उनको दूर किया जाए। साथ ही साथ आज अहम समात, जिसमें इस समात के दौरान एक अंडरटेकिंग और एक मुआहदा जो है वो पंजाब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तय पाया, इसे भी अदालत में जमा किया गया, जिसके तहत तहरीक इंसाफ वारंट गिरफ्तारी की तकमील के हवाले से जो है वो तावुन करेगी और 14-15 मार्च को दर्ज मुकदमात में मुआवनत भी फराहम करेगी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये सेल्फी जो कि उस्मान डार मेरे ख्याल से इस वक्त उन्होंने लेने की कोशिश की है, जिसमें इमरान खान जो है वो जमान पाक से बाहर जा रहे हैं और लाहौर हाईकोर्ट रवाना होने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर रुख करेंगे, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, 5:30 बजे तक पहुँचना है और वो जमान पाक से निकल चुके हैं सलीम शेख। जी बिल्कुल, जो है इमरान खान बिल्कुल निकल चुके हैं और 5:30 बजे का वक्त दिया गया है कि इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हो। पहले 4:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन क्योंकि पीएसएल की टीम ने भी मूव करना था, इसकी वजह से जो है वो वक्त तब्दील किया गया है कि पीएसएल की टीम भी मूव हो जाए और 5:30 बजे जो है वो फिर इमरान खान जो है वो यहाँ पर पहुंच जाए। इस सिलसिले में जो है यहाँ पर पुलिस को हदायत भी जारी की गई थी कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और हाईकोर्ट के अंदर हमने अब देखा है कि सिक्योरिटी भी तैनात करना शुरू कर दी गई है और इमरान खान जो है वो अपनी रहायशगाह से अब रवाना हो गए हैं। और जब माजी में पहले यहाँ आए थे हाईकोर्ट में, तो उस वक्त भी उनके साथ वर्कर की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। अब भी जो है वर्कर जो है उनके साथ साथ वहाँ से निकल पड़े हैं और जो पैदल वर्कर है वो भी उनके साथ साथ रवाना हो रहे हैं। अगर देखा जाए जमान पार्क से हाईकोर्ट का रास्ता वो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी के ऊपर, अगर मैक्सिमम भी आना हो वहाँ पर सिग्नल भी हो, लेकिन क्योंकि अब अगर वो 4:15 बजे के करीब निकले हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने जो वर्कर के साथ एक खानवाई के साथ आ रहे हैं, तो उनको 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसकी वजह अभी तक सिक्योरिटी की तरफ से ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि इमरान खान कौन से गेट से जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल होंगे। एक GPO गेट है, वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी लगाई गई है और एक गेट जो है वो मस्जिद गेट जिसको बोलते हैं, जजिस गेट है, वहाँ से भी जो है अब देखना यह है कि इमरान खान कौन से गेट से अंदर की तरफ आते हैं। तमाम जो है वो पुलिस की जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी और ये बताइए कि इससे पहले जिस तरह के मामलात थे अहाता अदालत के हवाले से और वहां पर लोगों के पहुंचने के हवाले से, तो उसको किस तरह से रोका जाएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बहरहाल ये मनाजर इस वक्त हम जरूर देख रहे हैं कि जमान पार्क से खान साहब जो है वो एक जमे गफीर के साथ निकल रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, कारकुनों की, पीटीआई लवर्स की, खान साहब के जो फैंस हैं, खान साहब के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, खिलाड़ी हैं, इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और इस पूरे काफिले की सूरत में जमान पार्क से लाहौर हाईकोर्ट रवाना हो चुके हैं। जी सलीम शेख। जी बिल्कुल, जमान पार्क से जो है इमरान खान रवाना हो चुके हैं और लाहौर हाईकोर्ट में भी जो है वो इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। पुलिस की नफरी को जो है वो तैनात किया जा रहा है ताकि जो है सिक्योरिटी जो है वो उनकी यकीन बनाई जा सके। लेकिन जब माजी में यहाँ पर आए थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा जो है वर्कर अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट के अंदर जो है वो वर्कर की तादाद उतना नहीं है जितना माजी में थी, और इसकी वजह यही है कि शायद गेट जो है उन्होंने बंद कर दिए और ताकि अंदर इमरान खान को अदालत तक जाने में जो है वो कुछ किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके इमरान खान के साथ जो वर्कर इस वक्त आ रहे हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और अब वो भी जब आएंगे तो उनकी भी ये कोशिश होगी कि वो किसी तरह जो है वो अपने कायद इमरान खान के साथ जो है वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन जो पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अंदर जो दाखिल है की इजाजत है वो किसी को नहीं दी जाएगी, सिर्फ वही लोग जो जा सकेंगे अंदर जो इमरान खान के साथ होंगे और जो करीबी जो रहनुमा होंगे उनको जाने की इजाजत होगी। लेकिन हमने देखा है कि माजी में भी जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो वर्कर है वो भी काफी तादाद में अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसी से वक्त आते हैं जब गाड़ी अंदर आती है, और जैसी गाड़ी अंदर आती है उस दौरान जितने वर्कर आते हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो गाड़ी वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर वर्कर जो है वो बाहर
रोक लिया जाता है, और आज भी यही इम्कान होगा कि वर्कर को जो है वो बाहर रोका जाएगा, लेकिन जितने वर्कर जो है वो जबरदस्ती जेल के साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे वही अंदर आ सकेंगे। लेकिन हदायत यही जारी की गई है कि अब कोई भी वर्कर जो है वो हाईकोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल ना हो सकेगी। अच्छा ये बताइएगा, जमान पार्क से हाईकोर्ट तक आपने कहा कि नॉर्मली 10 मिनट का रास्ता होता है, तो ये रास्ते के हवाले से भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए फिर सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए अब हाईकोर्ट की हदायत है, वाजे तौर पर हदायत है कि इमरान खान को हाईकोर्ट पहुंचने के लिए जो है वो वाजे तौर पर जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए, और अब सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो पंजाब पुलिस लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी है, और वो सिक्योरिटी फराहम कर दी है। मैं इसमें हाईकोर्ट की इमारत के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई है, और जिस अदालत में जाना है उस अदालत के बाहर जो है वो नफरी बहुत बड़ी तादाद में लगा दी गई है, ताकि जब इमरान खान यहाँ से उतर कर अदालत की तरफ अंदर जाएं तो फिर उनको अंदर जाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक वजह तो ये भी है कि इमरान खान की खुद अपनी तबीयत का मसला है, उनकी जो फायर लगे थे टांग पर वो भी मसला है, और उसके साथ साथ ये भी मसला है कि जो सिक्योरिटी है वो भी फराहम करनी है, कोई गैर मुतलका शख्स है वो उनके साथ अंदर दाखिल ना हो सकेगी। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि इमरान खान जो है जमान पार्क से लाहौर की हाईकोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट का ये रास्ता है गाड़ी पर, लेकिन जाहिर है कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत, हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल पेशी और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इसमें कुछ देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल टाइम जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया, पहले 4 बजे था जिसे बाद में एक्सटेंड करके 5:30 बजे तक। और ये तस्वीर जो कि एक सेल्फी, और उस्मान डार ने गालिबन ये सेल्फी ली है जिसमें हम देख रहे हैं कि उनके अकब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूद है और अपने साथियों के साथ मौजूद हैं, फैसल चौधरी भी गालिबन इस तस्वीर में मौजूद हैं, और ये वो मनाजिर भी आप देखे जा सकते हैं दूसरी विंडो में जब के वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इजहार यकजहती के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अपने इजहार यकजहती के लिए कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में, बहरहाल देर जरूर हो सकती है, लेकिन 5:30 बजे तक का जो है एक अल्टीमेटम है कि इस टाइम में उन्हें वहां पर पहुंचना है, और उनके पहुंचने के हवाले से जो खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी के हवाले से, तो इस वक्त अदलिया ने बाकायदा इंतजामिया को हिदायत की है कि PTI और बिलखसूस खान साहब के हवाले से जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उनको दूर किया जाए और उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी यकीन नहीं बनाई जाए। साथ ही साथ कल तक जो है उनकी गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। तो आज एक मुआहिदा भी पेश किया गया जिसके तहत तहरीक इंसाफ वारंट गिरफ्तारी की तकमील करेगी और 14-15 मार्च को जो मुकदमात दर्ज हुए थे उनमें भी मुआवनत फराहम करेगी। और अब टेबल टॉक के हवाले से भी बात हो रही है, खास तौर पर फवाद चौधरी का कहना है कि आजम नजीर तारड़ वजीर कानून जो है हर प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि जनाब मिल बैठकर बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका इंदिया दिया, तो अब वक्त है कि इन बयान से आगे निकलें, बाहर निकलें और कुछ अरेंजमेंट्स करें डायलॉग्स के हवाले से। इसके ऊपर मैं तजिया चाहूंगा, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम शेख, सूरत हाल जो है अब डायलॉग्स की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, डायलॉग की तरफ से जा रही है, माजी में जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो पेशकश की जाती रही है, और अब जो है वो PTA की तरफ से भी ये बात सामने आ गई है कि डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, मिल बैठकर जो है वो बात करनी चाहिए। लेकिन काफी ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन देर फिर भी नहीं हुई, क्योंकि सियासत में जो है वो कभी भी देर नहीं होती। जब आप मिलकर बैठ जाए और मुल्क के हवाले से कोई हल निकालना चाहे तो फिर कोई देर नहीं होती, और अब भी सूरत हाल यह है कि तमाम पार्टियां अगर मिलकर बैठना चाहें और कोई मुश्किल हल निकालना चाहें, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, खास तौर पर जो माशी सूरत हाल है उसको अगर बेहतर बनाना है, तो तमाम पार्टियां अगर बैठ गए तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बेहतर सूरत हाल की तरफ जाया जा सके। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की तरफ से जो है ये पहले भी जो है वो एफिडेविट दिया गया है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अदालतों में पेश होना चाहता हूँ, लेकिन जो है अदालतों में मुझे बाबा पेश होने के लिए जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इमरान खान की तरफ से जो है वो काफी ज्यादा ये भी कहा गया है कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते बल्कि मुझे मारने का इनका प्लान है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो सूरत बनती जा रही है उससे बजाय ये लग रहा है कि एक तो आज इस्लामाबाद की तरफ से अदालत की तरफ से
रिलीज फ्राम कर दिया गया है, उनकी जो गिरफ्तारी का ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और अब जो अदालत में समाअत होने जा रही है 4:30 बजे का वक्त दिया गया है उसमें इनकी इमरान खान की जो प्रोटेक्टिव बेल है उसका मामला है। तो इमरान खान का यहाँ पर पेश होना जरूरी था जिसकी वजह से अदालत ने कहा है कि यहाँ पर पेश हो, तो 5:30 बजे इमरान खान पेश हो रहे हैं, निकल भी पड़े हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी बात यही है जैसा आपने पूछा है कि अब जो है वो सियासी डायलॉग की जरूरत है, सियासी डायलॉग जो है वो दोनों तरफ से हामी भर दी गई है, लेकिन इसका क्या तरीकेकार होगा ये अभी तक दैट इज इंडीड नीड ऑफ द आवर के इसका तरीकेकार क्या होगा। सियासी जमातें मिल बैठ कर और जाहिर है कि इस मुल्क के हवाले से, रियासत के हवाले से क्या एक जो है वो बात करती हैं। शौकत पराचा अभी हमें ज्वाइन करेंगे, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, क्या ये अच्छा होता कि ये जो जिस एक आइडियल बातचीत के हवाले से, डायलॉग्स के हवाले से, टेबल टॉक्स के हवाले से कहा जा रहा है, इसकी बात की जा रही है, ये नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। तमाम सियासी जमातें बशमूल जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी और हुकूमती जमातें हैं वो भी जो है वो